दिनांक 1/10/2022 को एक आकस्मिक सांड में जनपद कानपुर में एक दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 27 लोगों की मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हो गई। उस पर सभी लोग दुखी थे और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो कृषि कार्य हेतु लगी हुई हैं उन पर किसी भी तरीके की सवारियां न ढोई जाएं। उक्त के आदेश के क्रम में हम लोगों ने जनपद कानपुर में अभियान चलाया और दशहरा के समय पर उनको जागरूक किया और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सवारियों को ढोने पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया। उसमें करीब हम लोगों ने 550 ही ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को चेक किया जिसमें हमने अनुरोध किया और जागरूक किया कि इसमें ओवरलोड सवारी न ले जाएं और किसी भी तरीके से अन्य साधनों से वाहनों यात्रा करें, जिसमें 38 वाहनों के हम लोगों द्वारा चालान भी किए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जागरूकता अभियान लगातार जनपद में हर स्तर पर चलाया जा रहा है। जनपद की सभी तहसीलों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और स्वयं जाकर अभियान को चलाया जा रहा है। सर, ग्रामीण इलाकों के उन ट्रैक्टर चालकों और मालिकों से आप क्या अनुरोध करेंगे कि सवारी ना बैठा लें? सभी लोगों से अपील है कि कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरीके का अभियान हो, उसमें आप जो है सवारियां ना ले जाएं, आप और साधनों से जाएं। ट्रैक्टर ट्रालियों में चूंकि उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जो आसानी से पलटने का डर ना हो, पलटने का मुख्य कारण होता है कि उसमें 2 टायर ही होते हैं और वो सवारियों के लिए नहीं होती, केवल कृषि कार्यों के लिए होती है। तो हम उन लोगों से अपील करते हैं कि अपने अन्य सवारी साधनों से ही जाएं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ना जाएं, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सर, अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई वाहन स्वामी चालक किसी नशे की हालत में है तो उनकी जांच कर रहे हैं और जागरूक के साथ साथ अगर वो रिपीट कर रहा है इस तरह के कार्यक्रम तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके चेकिंग चालान किए जा रहे हैं।